हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूँ मोहम्मद। और मैं हूँ जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं एपिसोड 367 का पार्ट टू। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते। केवल 3 बार आघात कर सकते हो। ओए होए, चलो ओए, बहुत बड़ी शिला है। और दौड़ कर ये खुश हो रहे हैं, इनको नई पावर मिल गई है। बहुत पावर के साथ बड़े हुए। कितने दिन बीत गए, तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज गुरुजी पधारने वाले हैं। वैसे तो कुछ ही समय बीता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे हम वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। माँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव के मार्गदर्शन से हम ध्यान लगाना सीख जाएंगे और अपनी वास्तविकता से सम्मुख हो जाएंगे। और उस साधु को भी तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। साधु? नहीं माँ, कोई नहीं, हम देख कर आते हैं। बालयोगी गुणेश ने जो सूची दी थी उसके प्रबंध हो चुके हैं या नहीं। हम नहीं चाहते कि गुरुदेव के यहाँ आने के पश्चात उनको कोई भी कष्ट हो। ओहो, आहा, आसन पर बैठने का दुस्साहस भी कैसे किया? ये सब तो भारी दिखावा है। बोला, इससे आपको क्या प्राप्त होगा? मैंने आपसे पहले भी कहा है, भीतर जाके कि तो आप जब भी भीतर जागते हैं तो आपको केवल अपनी रिक्तता का ही आभास होता है। आपको कुछ रिक्तता भी है तो एक स्त्री,
का सुर और एक पुरुष की आकृति, और फिर आप कहती हैं कि ये ध्यान है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कदाचित आपने गुरु का चयन ठीक नहीं किया। और हम भी आपसे फिर कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु के बारे में कुछ भी ना कहें। और आपको भीतर किसने आने दिया? आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं राजकुमारी, आप इस योग्य नहीं है कि आप ध्यान लगाना सीख जाए। त्याग दीजिए ये वजह। हम नहीं त्यागने वाले, और आप होते कौन है हमें सुझाव देने वाले? हम अभी द्वारपाल को बुलाकर आपको यहाँ से बाहर निकालते हैं। क्या बात है पुत्री, इतनी क्षुब्ध क्यों प्रतीत हो रही हो? माँ माँ देखिए ना वो। क्या लेके? सब कुछ अच्छा तो है माँ? माँ वो साधु यही साधु नहीं तो थे, कहाँ चले गए? ओए यार ये सही बनाया। अपनी माया शक्ति से बनाया है। अब दिखा। तुम्हें उसे नीचे पहुंचने से रोकना होगा। अच्छा। रोक लिया, अभी नहीं रुकता, इतना जल्दी नीचे आना है। इनकी आंखें खुल जाती हैं। बहुत है ये।
लेके जा रहे हैं। लो जी भाई खड़ा कर दिए, पूर्ण कर दी बस। तुम ही हो जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। हाँ यार, एक बहुत पावर है क्योंकि इनका एक लक्ष्य है बस, वो है देवता। जो भी जिधर से भी आता है, चाहे रावण हो या चाहे कोई और भी हो भाई, उसका जो है ना वो देवता की तरफ, वो बेचारे फंसे हुए हैं सही। लेकिन ये कि इधर एक जैसे एक पार्ट का स्टार्ट हुआ है ना, एक शिला को तोड़ना था, तीन वार करने थे जिसमें तोड़ना था, लेकिन उन्होंने ऊपर चढ़कर एक ऐसे इतना जोर से मारा है यार, ऊपर विष्णु जी ब्रह्मा जी वो भी देख रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा पावर के साथ उन्होंने चूरो चूर करके रख दिया। बाकी यार एक जैसे एक असुर थे ना, उनको हमेशा एक बड़ा मसीहा चाहिए था जो पावरफुल, इसलिए वो देख देख कर ही खुश हो रहे थे कि बहुत पावर वाला बंदा मिल गया अब हमारे हित में। लेकिन उधर भाई एक पार्वती जी अपना सब कुछ भूल गई, अपना शादी ब्याह सब कुछ महादेव जी को, लेकिन इसलिए महादेव जी ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन उनको कोई अभी तक चीज़ याद नहीं आ रही। नहीं, एक जो कार्य शुरू किया हुआ उसमें वो ज़रूर एक कामयाब होंगे, क्योंकि आस्ता आस्ता, क्योंकि वो एक उस साइड के ऊपर ध्यान में ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो भी आप थोड़ा बहुत रेडी ज़रूर हैं, जो उनके एक जेन में उन्होंने बिठा दिया है और वो इसके लिए तैयार। लेकिन दूसरी तरफ भाई ये जो काम हो रहा है ना जलंधर वाला, ये बहुत खतरनाक है, ये दुबई फेर देगा यार। देख लो उन्होंने वो एक तो एक ही वार में तोड़ दी, दूसरे भाई उसको नीचे आने से रोकना था, वो खुद उसको ऊपर लेके ऊपर जाकर रख दी है, इतनी एक पावर के साथ रखी है। लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।